नमस्कार दोस्तों, आज आप सब लोगों को 77th इंडिपेंडेंस डे की पूरे एग्रीमेंटर परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग जानते हैं कि आज हम 70वां स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। ये भी सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के लिए, इस दिन के लिए बहुत सारे शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, बलिदान दिया था। जब उन लोगों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, चाहे हम बात करें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग जिनका हम लोग जिक्र भी नहीं करते, मंगल पांडे जिनसे इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आहुति जो है वो जाया नहीं गई, देश आजाद हुआ। लेकिन 70 साल के बाद भी आज भी हमारा देश गुलाम है कुछ चंद लोगों के हाथ में। इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण है हम सब लोग, इसका कारण है हमारी सोच। आज भी हमारी जो सोच है इसमें गुलामी भरी हुई है। आज हमें आजादी बचपन से ही नहीं दी जाती, बचपन से ही हमें कुछ जंजीरों में जकड़ा जाता है। आज बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि समाज में हमें उस आदमी के खिलाफ बोलना है, उस आदमी के खिलाफ नहीं बोलना है। बात सच्चाई की नहीं सिखाई जाती, बात सिखाई जाती है कि अगर कोई गरीब आदमी है तो हम उस पर बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन कोई अमीर है, रईस ज्यादा है तो हम अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि समाज में आज एक झुंड बनाया जाने लगा है। समाज के अंदर, इस समाज को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, और इसको बांटने का जो कारण है उसमें कहीं ना कहीं हम सबका योगदान है, क्योंकि हमारी सोच इतनी गुलाम बन चुकी है कि हम चंद लोगों के हाथ में बिक चुके हैं। हमारी सोच को इस प्रकार से गुलाम बनाया जा रहा है हमारे घर से ही, क्योंकि हमें घर से ही बताया जाता है कि हाँ, हम अगर किसी के खिलाफ बोलेंगे तो कल को ये हो जाएगा। हमें सच्चाई के साथ खड़े होने की इजाजत नहीं दी जाती, हमें एक बार के लिए चुप करवा दिया जाता है, जो कि गलत है। आज इस आजादी के अमृत महोत्सव पर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप सब लोग कम से कम आजादी की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने आप से बदलाव करें, जहां पर जरूरत है वहां पर बोलना स्टार्ट करें, क्वेश्चन करें। अगर आप में सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं, अपनी जॉब लगने के बाद या बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, तो कम से कम एक या दो लोगों को या जितने लोगों को भी एजुकेट कर सकते हैं, उनकी शिक्षा में योगदान कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा दे सकते हैं तो वो दीजिए। किसी गरीब आदमी को जिसको खाने की जरूरत है उनको खाने की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हो, उन बच्चों को जो कि अनाथ है उनको आने वाले समाज में खड़ा होने के लिए भी आप उनको मजबूत कर सकते हो, उनके कंधे मजबूत कर सकते हो। उसी के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट और इस हमारे आसपास के वातावरण को बचाने के लिए सफाई की, वो भी शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। अगर हम सोचें कि समाज में हर कोई करे तो उसकी शुरुआत हमें सबसे पहले अपने आप से करनी पड़ेगी। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि सिस्टम में आज बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा हम लोग भी हैं। अगर हम सिस्टम के एक हिस्से को सही करना स्टार्ट करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में हम लोग सारे हिस्सों को अगर सही कर पाए तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात होगी। आज हम तो भगत सिंह जैसे शहीद भक्तों को नमन करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों को हम लोग याद करते हैं, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन हमें किस रूप में याद करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इस समाज के लिए कितना कर पाते हैं। अगर हमने आज इस देश के लिए कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली जनरेशन हमें कोसेगी। बहुत बार हम लोग ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर हमें बोलना चाहिए लेकिन हम बोलते हुए रुक जाते हैं, क्योंकि हमें इस समाज का विरोध करने लगता है। समाज में 10 लोग गलत हैं, 20 लोग गलत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात सही है। जहां पर गलत है वहां पर बोलना सीखें, अपने आप को इन झूठे बंधनों से आजाद करें, और देश के अंदर वाकई में जो आजादी है वो हमें लाने की जरूरत है। समय के साथ
आप सब लोग अपने आप को बदल पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों को अगेन स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त हमारा वो पवित्र त्योहार है जो हम लोग उन सभी शहीदों को याद करते हैं जो इस देश की आजादी के लिए लड़े थे या आज भी देश की सीमा के ऊपर सीना तान कर खड़े हैं और जिसकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। आज भी अगर हम बात करें तो देश का किसान भी उसी प्रकार से हमारे लिए काम कर रहा है, उन देश के भूखों को जहां पर रिक्वायरमेंट है अनाज पैदा करने की तो उससे भी ज्यादा वो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उन सबको सामर्थ्य अगर हम दे पाएंगे, उन सबको अगर हम उनका लिविंग स्टैंडर्ड अगर अच्छा दे पाएंगे तो डेफिनेटली समाज के लिए बहुत बढ़िया होगा और हमारे देश के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। इसी के साथ अगेन आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग अपने आप में और अपने समाज में बदलाव लेने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें और कम से कम इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रतिज्ञा लें कि जो काम आप कर सकते हैं, जो मैंने 3 आप लोगों को काम बताए हैं उनमें से अगर कुछ भी आप लोग कर पाए तो वाकई में बहुत बढ़िया होगा। जय हिंद, जय भारत।